हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को दी राहत। पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान खेमका के खिलाफ दी गई चार्जशीट को किया ड्रॉप। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा का बयान, खेमका निर्दोष थे इसलिए दी गई क्लीन चिट। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान, कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा इसलिए कर रहे हैं असुरक्षित महसूस। वाड्रा के बीजेपी को इनसिक्योर कहने वाले बयान पर किया पलटवार। राय में भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों के साथ कैप्टन अभिमन्यु ने की मुलाकात, बोले किसानों के साथ है सरकार। 17 नवंबर को चंडीगढ़ में किसानों का प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्रियों से करेगा मुलाकात। ₹9,455 जेबीटी टीचरों को नियुक्ति के मामले में सीएफएसएल ने कंप्यूटर जांच में पाई कई खामियां। मामले की जांच कौन सी एजेंसी करेगी, हाईकोर्ट अगली सुनवाई में करेगा तय। कोर्ट ने चयनित टीचरों की अर्जी पर उनको मामले में बनाया है पार्टी। स्टेट समिट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कैबिनेट मंत्रियों रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु और अनिल विज से लोगों ने सीधे संवाद के जरिए रखे अपने सवाल। ZPHH का स्टेट समिट बेमिसाल हरियाणा, देखिए आज शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के खिलाफ मिलियन मार्च का प्रचार कर रहे हुर्रियत नेता हिलाल वार समर्थकों समेत गिरफ्तार। अब तक करीब 300 अलगाववादियों को किया जा चुका है नजरबंद और गिरफ्तार, लगातार जारी हैं गिरफ्तारियां।